दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जेट प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। अगर आप कोई नया पौधा लाते हैं तो गमले में कैसे लगाएं, या फिर पुराना पौधा आपके पास है उसको दोबारा से आप फिर से गमले में कैसे लगाएं, क्योंकि हर एक दो साल भी आपको रिपोर्टिंग करनी ही पड़ती है। गमले में बहुत कम मीडिया होता है तो हमें उसको बदलते रहना होता है। तो ये देखिए, काफ़ी मोटा ये प्लांट हो गया है और बहुत दिनों से हमने, लगभग 1.5 या 2 साल हो गया होगा, इसकी हमने रिपोर्टिंग नहीं की है। तो आज हम दोबारा से इसको गमले में लगाने वाले हैं। कैसे आपको गमले में इसको लगाना है, कैसे आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के बारे में भी आज की वीडियो में हम जानकारी आपको देंगे। कटिंग कैसे ग्रो करना चाहिए और कैसे आप इस पौधे में अच्छे खासे पत्तियां ले सकते हैं। काफ़ी घना यह पौधा हो जाता है, बस थोड़ा सा देखभाल के लिए। तो चलिए, सॉइल मीडिया हम जान लेते हैं, गमले वाली मिट्टी कैसे तैयार करना है ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है कोकोपीट, इसका इस्तेमाल हम 20% करेंगे। मैं आपको पास से दिखाऊँ, कोकोपीट आपको लेना है 20%, इसके साथ एकदम महीन भुरभुरी मिट्टी है ये हम यूज करेंगे 30%। तो 30 और 20 50% ये हो गया। और यहाँ पे हम 20% सैंड का भी इस्तेमाल करेंगे, बालू वाली रेत का इस्तेमाल करेंगे, मतलब बालू ही बोलते हैं, बालू वाली रेत नहीं बोलते हैं, तो ये नदी वाली रेत है, इसका इस्तेमाल 20% हम करने वाले हैं। तो फिर से बता दूँ, 30% मिट्टी हो गया, 20% बालू हो गया, और आपको लगभग 20% उसका इस्तेमाल करना है, कोकोपीट का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा 20, 30, 20, 50, 60, 70% हो गया। हम केवल इसमें 30% ही कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमने कंपोस्ट के लिए गोबर की बढ़िया सड़ी हुई भुरभुरी खाद को लिया हुआ है। तो आप भी गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ उसमें अगर आपको कुछ देखिए पॉलीथीन वगैरह तो उसको आपको हटा देना है। तो ऐसे ही आपको कोई भी आप कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, घर पे बनी हुई खाद 30% आपको इस्तेमाल करना होता है। आप कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, अपने घर पे बनी हुई खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, 30% ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए, इनको आपस में हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद पौधा कैसे लगाना है ये भी आपको बताएंगे। हम यहाँ पर इसको कटिंग भी लगाने वाले हैं, कटिंग के लिए हमने ये मीडिया तैयार कर लिया है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आपको कटिंग इसकी लगानी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमने ये मिश्रण तैयार कर लिया है, ऐसे आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इस गमले से इस पौधे को हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम कुछ अन्य चीज़ें करेंगे। तो चलिए, पौधे को हम बाहर निकालते हैं आसानी से, ऐसे ही थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि बड़े पौधे निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। देखते हैं, अगर ऐसे ही निकल आए तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं निकलेगा, इसको उलटना पड़ेगा। बहुत पुराना पौधा हो गया है तो इतना जल्दी ये निकलने वाला नहीं है, एकदम से जड़ें जो हैं बाउंड हो गई होंगी। पौधे को निकालना भी एक मशक्क़त का काम होता है, कुछ पौधे जल्दी निकल आते हैं, कुछ पौधे थोड़ा टाइम लेते हैं निकलने में। तो ये भी अब निकल गया है, ऐसे ही हम गमला हटा लेते हैं। देखिए, ये पौधा एकदम से निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, हाथ की मदद से कुछ जो जड़ें हैं इसकी, उसको हम हाथ की मदद से ऐसे कर देंगे, एकदम जड़ बाउंड हो गई थी। तो ज़्यादा जड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, कुछ जड़ें हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, एकदम गमले की साइज़ का ये मिट्टी हो गया है। बाउंड का मतलब एकदम राउंड राउंड से जड़ें जो हैं घूम जाती हैं, यानी जड़ें ज़्यादा हो जाती है, मीडिया कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा जड़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और बहुत ज़्यादा ये मिट्टी भी नहीं रखनी है, हमें नई मिट्टी इसमें डालना है। तो बस ऐसे हाथ की मदद से या फिर किसी भी टूल की मदद से कुछ काटने वाला हो तो काट भी सकते हैं, लेकिन काटने से जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ऐसे कुछ जड़ें बच भी जाती हैं। तो
तो ऐसे ऐसे हम इन जड़ों को आप चाहें तो पानी में भी रख सकते हैं, जिससे मिट्टी जो है वो एकदम निकल जाएगा। लेकिन कुछ मिट्टी हम रखेंगे क्योंकि पौधा बड़ा है, पूरा मिट्टी निकाल लेंगे तो भी दिक्कत है, एकदम से पौधा तनाव में चला जाएगा, रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप चाहें तो इसका बोनसाई भी बना सकते हैं। देखिए बोनसाई ये तैयार हो सकता है। बोनसाई के लिए आपको उस पौधे को समय देना पड़ता है। हालांकि मैं बोनसाई बनाता नहीं हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा कि जेट प्लांट की बोनसाई बना दी जाए। ये बोनसाई बनाने लायक पौधा भी हो गया है। देखिए कितना अच्छा, कितना देखने में बेस्ट ये प्लांट लग रहा है, एकदम बोनसाई टाइप का अभी से लग रहा है। तो बस इतना ही मिट्टी हमें निकालना था। अब हम सोच रहे हैं कि इसको एक बड़े से गमले में लगा दें। थोड़ा सा बड़ा पौधा है तो थोड़ा सा गमले की साइज़ भी हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसको हम इंडोर में रखते हैं तो इसको हम प्लास्टिक के गमले में ही लगाएंगे। गमले की साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। तो चलिए गमला भी आपको दिखा देते हैं कौन से गमले में इसको लगाने वाले हैं। तो अब हम इसको इस वाले गमले में लगाएंगे। पहले ये पौधा इस वाले गमले में लगा हुआ था, मैं आपको पास से दिखाता हूँ साइज थोड़ा हटाने के बाद। पहले ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ था, अब हम लगभग 10 इंच के आसपास ये गमला होगा, तो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हम इसको लगाएंगे। पहले इसमें लगा हुआ था, तो आप भी 8 इंच 10 इंच 12 इंच के गमले में इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम नीचे गमले के नीचे कुछ पत्तियां रख देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हम मिट्टी डालेंगे वो बहेगा नहीं। तो कुछ पत्तियां मैंने साइड में रखी हुई हैं, ये कुछ पत्तियां मैंने साइड में रखी हुई थी। तो इसको नीचे हम जो होल है उसके ऊपर बिछा देते हैं। आप चाहें तो कुछ ईंट वाला टुकड़ा भी रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हम बिछा देंगे, ऐसे हमने बिछा दिया है, और इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं मोबाइल ताकि आपको दिख सके। तो अब हम इसमें जो हमने मिश्रण तैयार किया है उसको हम डालेंगे। पहले हल्का सा डालने के बाद सेट कर लेते हैं, दाब देते हैं ताकि पत्ती वगैरह सही से सेट हो जाए। तो ऐसे पहले अगर आप पत्ती डालते हैं तो थोड़ा दबा दीजिए। इसके बाद हम इसमें कुछ मीडिया डाल देते हैं। थोड़ा सा हमने और साइड में रखा हुआ है मीडिया, केवल छोटे से इसमें हमने लिया हुआ था टब में, वैसे भारी हो जाता है तो दिखाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा हम और डालेंगे। और अब हम ये पौधा इसके बीच में देखते हैं रख के, बहुत नीचे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा हमें और डालना पड़ेगा। तो दूसरे जो हमने टब में रखा हुआ है मीडिया वो लाते हैं। तो ये मीडिया हमने और रखा हुआ था साइड में, तो थोड़ा सा इसमें हम और डाल देते हैं। पौधा बहुत नीचे हमें नहीं लगाना है। इस पौधे में आपको बस एक बात का ध्यान देना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ओवर वाटरिंग इस पौधे को सुखा सकती है, और बहुत तेज़ धूप में भी नहीं रखना है, ना ही बहुत अंधेरे में रखना है। मतलब जहाँ पे धूप आती हो ज़्यादा वहाँ पे मत रखिए, और जहाँ पे बहुत अंधेरा हो वहाँ पे भी आपको नहीं रखना है। बस जहाँ पे थोड़ा बहुत रोशनी आती हो, थोड़ा बहुत धूप भी आती हो 1-2 घंटा, वहाँ पे इसको आप रख सकते हैं। तो चलिए ये पौधा हम इसमें ऐसे ही लगा देते हैं, और ऊपर से मिट्टी जो है हम वो डाल देते हैं। तो चलिए इसमें अब हमने जो मिश्रण तैयार किया था उसको ऊपर से फिर से डाल देते हैं। डालने के बाद पौधा भी आपको सीधा ही लगाना है, तो पहले तो बीच में लगाइए और उसके बाद सीधा कर दीजिए। कुछ और डालना पड़ेगा अभी, और
हाथ की मदद से दबा दीजिए जिससे पौधा एकदम बीच में हो जाए। अभी इसमें थोड़ा सा और लगेगा, तो पहले हम मीडिया पूरा भर देते हैं, उसके बाद हाथ की मदद से फैला देंगे। तो ऐसे ये पौधा आपको अपने गमले में ग्रो कर लेना है। अगर आप नया पौधा भी लाते हैं तो इस तरह से आप नया पौधा भी गमले में लगा सकते हैं, या फिर कोई पुराना पौधा है तो उसकी आप रिपोर्टिंग भी इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इसमें और डाल देंगे, इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज़्यादा पानी ही इस पौधे के सूखने का मुख्य वजह होती है। तो थोड़ा सा और इस साइड में, और अब हमारे ये पौधा एकदम लग के जो है वो तैयार हो गया है। तो पौधा लगाने के बाद हम इसमें वाटरिंग करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, नीचे मिट्टी है तो पौधा पानी से भीग जाएगी। तो अब हम इसमें पानी डालते हैं, पहले बार फुल पानी देंगे, उसके बाद समय समय पे ज़्यादा पानी नहीं, हल्का हल्का पानी आप देते रहिएगा। ज़्यादा पानी से ये पौधा सूख भी सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बस ऐसे ही आपको मीडिया में ये पौधा लगा देना है, और इसको आपको बहुत तेज़ धूप, अभी तो सर्दियों में बहुत तेज़ धूप नहीं होती है तो आप रख सकते हैं बाहर, लेकिन जब बहुत तेज़ धूप होती है, मतलब इसको, ये इंडोर प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता, इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे आती हो, किसी भी खिड़की के पास में जहाँ पे एक दो घंटा धूप आ जाती हो, वहाँ पे ये पौधा आप रख सकते हैं। वहाँ के लिए बहुत अच्छा ये प्लांट होता है, अच्छे से ग्रो करता है। आप खिड़की के पास रख सकते हैं, आप मेन दरवाजे के आसपास जहाँ पे थोड़ा बहुत रोशनी आती हो वहाँ पे इसको आप रख सकते हैं। तो ऐसे आप ये पौधा लगा सकते हैं। अब हमने शुरुआत में बताया था कि इसकी कटिंग भी हम लगाने वाले हैं, तो एक दो कटिंग हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे आपको लगाना चाहिए। कटिंग के लिए हमने यहाँ पे केवल मीडिया में एक बलुई मिट्टी ली हुई है, थोड़ा सा बालू भी आप मिला सकते हैं, इसमें हमने कोई भी कंपोस्ट नहीं मिलाया है। तो ऐसे ही मीडिया आपको तैयार कर लेना है, इसमें हमने कोई भी कंपोस्ट खाद नहीं मिलाया है। तो चलिए इसकी हम कुछ कटिंग देखते हैं जो लगाने योग्य हो, पतली सी भी कटिंग इसकी लग जाती है। तो एक छोटी सी कटिंग हम यहाँ से लेने वाले हैं, कटर की मदद से हम कट कर लेंगे। तो एक छोटी सी कटिंग हम ग्रो करने वाले हैं, बहुत ही छोटी कटिंग हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ऐसे आप भी एक छोटी से छोटी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसको लगाने के लिए कुछ पत्तियाँ हम निकाल लेते हैं ऊपर वाली, और हमने ये जो लिया हुआ है मिश्रण, इसमें हम एकदम बीच में ऐसे लगा देंगे। ऐसे हमने लगा दिया, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। पहली बार फुल पानी दीजिए, चाहे कटिंग लगाइए चाहे आप गमले में पौधा लगाइए। तो ऐसे ही आपको यह पौधा जो है वो लगा देना है। तो इसकी कटिंग को आपको धूप में नहीं रखना है, किसी शेड में रखिए जहाँ पे थोड़ा बहुत रोशनी आती हो, मतलब बहुत ज़्यादा धूप भी ना आती हो, इसको शेड में ही आपको रखना है, छायादार जगह पे रखना है। तो इस तरह से आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, और इस पौधे को भी आप आसानी से, अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई नया पौधा आपने ख़रीदा है तो भी इस तरह से आप लगा सकते हैं, और ये कटिंग भी आप ऐसे ग्रो कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।